हम आपके सामने पढ़े दिए रहे, लेकिन हमारा फैसला आपको बाकी देंगे। इतनी कॉपी है नहीं तबाही दे केंद्र सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। पेट्रोलियम को और जीएसटी में लाना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो जाए, हो सके। नोटबंदी में लोगों की कमर टूट गई। अब निचले तबके के लोगों को राहत पैकेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। समान रुपया भाड़ा के 2 अब 1 होने की जरूरत है ताकि देश को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार भी ढंग से काम नहीं कर पा रही। यहाँ सामरसता बढ़ी है, सामरसता तक कभी रोजाना हो रहा है। BHU में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। विश्वविद्यालय के अंदर ही उनसे छेड़खानी हो रही है और उनके प्रतिरोध पर उनके साथ बलपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में कानून का शासन खत्म हो गया। यूपी सरकार की बिजली के समय में किए गए सभी दावे गलत साबित हुए। मैं भी 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैंने प्रदेश के प्रत्येक जनपद और जनपद के सभी गांवों को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति की थी, लेकिन मेरे सरकार ने शहर और गांव को तो छोड़ने राजधानी लखनऊ के लोग भी बिजली न आने से परेशान हैं। कर्जा माफी के नाम पर किसानों खरवार हुआ है। उनकी फसली ऋण को ही माफ किया गया है। सभी किसानों की 1 लाख तक की ऋण माफ किया जाना चाहिए था। इस सरकार में कोऑपरेटिव सेक्टर का बुरा हाल है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में अब अन्य सहकारी बैंकों में भी ऋण किसकों को ऋण माफी योजना से वंचित रखा गया। नोटबंदी के समय भी उनकी मेहनत की कमाई जमा करने की रोक लगा दी थी। इस यूपी सरकार का कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इस सरकार में युवाओं, किसानों, रोजगार से लगे शिक्षा मित्रों के साथ छल किया गया। मैंने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई मुफ्त का कि मैं नारा ही नहीं दिया था, बल्कि सभी के लिए पढ़ाई, दवाई, सिंचाई मुफ्त की थी एवं बेरोजगारों को रोजगार से भी जोड़ा था। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के सभी लोगों को मुफ्त दवाई, पढ़ाई और सिंचाई के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा प्रदेश सरकार को प्रभाव से देना चाहिए। ये हमने तो साथियों, मैंने तो पढ़ दिया है। अरे देखिए, हमें देखने दो पत्रकारित लोग वो बेचारे नहीं कह पा रहे, हम कह रहे झोंक के ले लीजिए। अब जो आपको प्रश्न करना हो कर लीजिए। मांग दीजिए माइक उनको, कौन है माइक दो अब ले लीजिए माइक, वहाँ से दूसरे पूछेंगे। नेताजी आपने कहा है अभी कि देश में समाजवादियों की एकता की जरूरत है, कैसे एकजुट करेंगे और क्या आपकी अगली रणनीति होगी? आपने अभी कहा कि समाजवादियों की एकता की जरूरत है, कैसे मजबूत करेंगे, क्या अगला कदम होगा आपका? मजबूत तो कर ही रहे हैं। अब मेरी अपील है जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमसे जुड़े, समाजवादी पार्टी से जुड़े, ये हमारी अपील है। लेकिन ये सही है कि समाजवादी पार्टी पूरे गांव, मोहल्ले, शहरों में सब जगह है। अब इसलिए वो तो मैं अलग से बात करूँगा, तो है ये बाद में हम करेंगे, आज तो इतना ही मैं करूँगा। नेताजी अखिलेश जी ने कहा था कि मेले में पिताजी का आशीर्वाद कहाँ है, बोल रहे हाँ क्या बोल रहे आपने? नेताजी अखिलेश जी ने कहा था कि पिताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, अब अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अरे पुत्र है तो उसको आशीर्वाद कहा है तो सही कहा, मैं आशीर्वाद तो देता हूँ, लेकिन उनके जो निर्णय हैं उन उससे मैं सहमत रही हूँ। नेताजी के नाते आशीर्वाद है। नेताजी इधर पीछे पीछे मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी इसको नेतृत्व आप करेंगे या जो चल रहा नेतृत्व है वही बरकरार रहेगा? आप थोड़ा बैठ रहे वो। नेताजी मैं अशोक, आपने पूछे या नेतृत्व करते रहे हम, नहीं और नेतृत्व की वजह तो बैठे तो ये सब नहीं आप देखिए मंडल वाले मैं साफ सवाल पूछ रहा हूँ। ये देखिए भी पास है, ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे, अध्यक्ष भी हैं, ये सादा सुधा को कौन नहीं जानता है और ये भगवती सिंह को कौन नहीं जानता, कितना जीवन दिया है समाजवादियों ने, तो ये सब बैठे हैं राम देव राम सेवक सब। लेकिन उसके बावजूद जो आपके पुत्र हैं समाजवादी लगाए नहीं जो आपकी मेहनत कर रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है दिख रहा है, लेकिन जो आपके पुत्र हैं और समाजवादी पार्टी के इस समय अध्यक्ष हैं वो इस नेतृत्व को नहीं मानते या आप नहीं है? समाजवादी पार्टी सहमत, उनके बारे में क्यों पूछे? नेताजी नहीं कोई ऐसा सवाल आएगा तो हम पैसे बता के अंदर रह लेंगे। आप तो कोई नई पार्टी नहीं बना रहे, आई बैठो। नेताजी राज्य सम्मेलन में अखिलेश के सबको आस्तीन का सांप कहा गया, ये कहा गया कि आपने चोरों को समर्थन दिया है और साहूकारों को कहा। पूछिए आस्तीन का सांप कौन है, ये तो आपको पूछना चाहिए, तो जिन्होंने बोला उनको पूछिए। मुलायम सिंह जी आपने कहा था कि पुत्र हैं तो हमेशा आशीर्वाद है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि उनके बहुत सारे निर्णयों से हम सहमत नहीं हैं, तो कौन सा नाते आशीर्वाद है, उनके निर्णय जो हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। कौन से निर्णय ऐसे हैं जो आप छोड़िए, वो भी बता देंगे इसमें। 5 अक्टूबर नहीं बताएंगे, वो भी बता देंगे, ज्यादा तो नहीं देंगे, जल्दी आपके सामने खड़ा और आपको बुलाऊंगा। नेताजी उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद आपको अध्यक्ष का पद दे दिया जाएगा, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ आपसे बातचीत हुई कि दोबारा आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का? अब छोड़ो क्या करें, उन्होंने कहा कि 3 महीना के लिए हैं मैं और 3 महीना बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। नेताजी आज शिवपाल जी नहीं आपके साथ में, तो आप सोच लीजिए, जो बात का धनी नहीं है, बात का पक्का नहीं है, जवान दे वादा करे निभाने वाला नहीं, तो समझे वो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता, कोई भरोसा नहीं करेगा। जब अपने बाप का कहा कि 3 महीनों के लिए हमें बनाओ, तो बाप को धोखा दिया है। और मुझे खुशी है कि देश के सबसे बड़े नेता ने भी कह दिया, वो हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन आप देश के सबसे सर्वोच्च पद पर हैं। वो भी सुनिए आपने कन्नौज में जो बोले। जी तो नेताजी इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या पार्टी के संरक्षक के ऊपर एड्रेस कर रहे हैं या अध्यक्ष के तौर पर? पार्टी के जितने अनुयायी हैं, समर्थक हमारे कार्यकर्ता और जनता, कार्यकर्ताओं से जनता से हमारी अपील है कि इस अवसर पर सामाजिक कार्य को समर्थन करें, कि आपके जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, या नौजवान बेरोजगार हैं, या छात्र हैं, या बेटियां हैं, उन सबसे अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दें, मजबूत करें। माननीय नेताजी, आपने राजनीति के बहुत दौर देखे, उतार चढ़ाव देखा है, एक समाजवादी पार्टी को आपने फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया, लेकिन आखिरी पड़ाव में आप ये समय भी देखना आपको पड़ रहा है, इसमें जो नए राजनीतिक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सब हो चुके हैं, बुधवार में जो आप बोल रहे हैं तो वो सब बोल चुके हैं। नेता पाल जी नहीं है साथ में, आप कहाँ है? एक एक बोला ना, अरे छोड़िए, जब वो पार्टी में नहीं है, न सहमत नहीं हमसे हैं, तो आपको सब पता है, तुम सब सवाल क्यों करते हो? नेताजी शिवपाल जी नहीं है साथ में आपके, आप क्या सवाल क्या आपका? नहीं, आपने बात तो सही कही, जो आपने बात कही है उससे मैं सहमत हूँ। नेताजी शिवपाल जी नहीं है आज कार्यक्रम में, शिवपाल जी जरूरी काम से इटावई में है। अच्छा। और मैनपुरी नेताजी, एक सवाल ये है कि आप लगातार अखिलेश यादव की निंदा करते रहते हैं। इधर नेताजी, इधर से सवाल है, इस साइड से। नेताजी, आप बराबर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के निर्णय से हम एग्री नहीं करते हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन जो राजनीतिक सिनेरियो, वो सिचुएशन यही कि आप अखिलेश की निंदा करते हैं, लेकिन अखिलेश की लीडरशिप को लगातार आप मजबूत करते जा रहे हैं। शिवपाल यादव को आप कहते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन शिवपाल यादव का जो नेतृत्व है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो आपके मन में क्या है? आप अखिलेश को ही अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं या ये आपका एक तरीके से अखिलेश पार्टी छोड़ चुके हैं एक तरह से? अब क्या कहना उनके बारे में? पर वो समाजवादी पार्टी के, वो तो पार्टी छोड़ ही चुके, कहा नहीं ये पार्टी से अलग काम कर रहे हैं, तो पार्टी छोड़ ही चुके हैं। वो कहते हैं हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़िए, तो ये तो इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? आप नई राजनीति से हमेशा सच्चाई होती है। हम लोगों ने कहा आप लोगों के बीच, वही कहा और वही निभाया। तो आप नई पार्टी कब बनाएंगे? हम लोग तो यही सोच के आए थे कि आप कुछ अनाउंस करेंगे। आप नई पार्टी बनाएंगे, विचार है आपके मन में नई पार्टी बनाने के बारे में? क्यों पूछे उनके बारे में? जब अब देश के बहुत बड़े नेता ने कह दिया, जो बाप का नहीं वो किसी का नहीं, क्या दिया नहीं क्या दिया, बताइए कहा नहीं कहा है? थोड़े से नेताजी नेताजी के बड़े नेता जो कह दिया है, मामूली बात है, जो बाप का नहीं वो किसी का नहीं। नेताजी, प्रधानमंत्री मोदी ने वो बात तो कह दी है, लेकिन अभी भी साइकिल का चिन्ह अखिलेश यादव के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी वही बड़े नेता जो कह दिया मामूली बात है, वो बात का नहीं वो किसी का नहीं। नेताजी प्रधानमंत्री मोदी ने वो बात तो कह दी है, लेकिन अभी भी साइकिल का चिन्ह अखिलेश यादव के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी वही है, कोई वार्ता नहीं, उन्हीं का नाम डाल रहा है। वाह वाह। अब दोनों बोले, हम क्या करें, यहाँ से बोले कोई मार्ग दे दो उनको मार्ग। नेताजी आप भारत के चाइना का सवाल है, आप समाजवाद के बहुत बड़े लीडर हैं, बोल चुका हूँ और आज आप पूछ रहे हो। अब नई बात कहनी गई हमारी राय है। नेताजी आप 5000 साल का इतिहास है, चीन ने हमेशा धोखा दिया है और अपने देश को मजबूत करने की कोशिश की है, तो भाई तो है कि उसने धोखा दे दिया। फिर और हम बार बार कहते हैं, लोकसभा में कितने बार बोले हम, कितने बार बोले हैं, आप क्या सवाल पूछे। पूछे जब इतने बार लोकसभा में हम बोल चुके हैं नेताजी, तो बोल दें जवाब। नेताजी सवाल ये है कि आप अखिलेश जी के पिताश्री हैं और आपने जो अभी जो विवाद चल रहा है इसमें क्या अधिक सुलह की कोई गुंजाइश है, क्योंकि आप ही कहते हैं कि विवादों का भाषण दे रहे हो, तो क्या सवाल है, सवाल पूछिए, भाषण न दो, सवाल पूछो। सुलह की कोई गुंजाइश है आप दोनों के बीच, सुलह की कोई गुंजाइश अभी है कि आप दरवाजे बंद हो चुके हैं? अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, बाप है, बेटा है, अब कितने दिन मतभेद रहेगा, कोई भरोसा है। तो फिर ये विवाद ही क्यों है जब आगे संभावना बनी हुई है, तो इसको तुरंत खत्म क्यों नहीं करते आप? हैं? नहीं, वो सरकार अपने आप बताएंगे, सरकार पूछेगा, हम तो नहीं जाएंगे। क्या इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे की संभावना है अभी? क्या आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट अभी भी फॉर्म हो सकता है? इन सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि अभी भी थर्ड फ्रंट? अभी फैसला पहले यहाँ हो जाएगा, तो फिर तीसरे मोर्चे क्या क्या हुआ हम करेंगे, वो आपको बुला के बता देंगे। तो इस बीच मुलायम सिंह यादव को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि अखिलेश से वो नाराज हैं, अभी भी नाराजगी बरकरार है, और जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश के एक बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने अपनी बात को बताया कि मुझे पता नहीं चला है कि क्या कहा, अखबार चल रहा है, कोई तो सवाल पूछो, कोई तो खेल से पूछो, अपनी पति की नेताजी सवाल यहाँ से है, यहाँ से सर, आप अखिलेश यादव के साथ हैं या शिवपाल यादव के साथ, एक बता दीजिए। ये भी सवाल है सर, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी में है समाजवादी पार्टी, कौन सी वाली समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव वाली है या फिर जो लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं वो वाली? तो इसका तो सवाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुलायम सिंह यादव को इस बीच आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम चीज़ों को रखा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने वादा जरूर किया लेकिन उसे निभाया नहीं। अध्यक्ष पद पर वो अभी भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी इस बीच नजर आई। हालांकि इस बीच उनके साथ शिवपाल यादव नजर नहीं आए और सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि वो इटावा और मैनपुर किसी काम से गए, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया के तमाम सवालों का जवाब वो अकेले ही देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश से वो नाराज हैं, बेटा होने के नाते उस पर आशीर्वाद है, लेकिन जो किया है पार्टी के साथ उनके साथ उससे कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि बड़े नेता ने इस बात को कहा तो वाकई इस बात में तर्क मौजूद है।